केएल राहुल नहीं यार, बहुत क्लासी प्लेयर है यार, आप लोग ऐसे ही करते हो यार। टीम को 29 रन से जमीन बॉस कर दिया भैया, जमीन के अंदर गाड़ कर रख दिया। मैंने रोहित को देखा, रोहित ने मुझे देखा, रोहित ने बोला फिट है, वो बात तो सही है। एक और चीज जो देखने में आई वो ये कि जहां पर विकेट गड्ढा नहीं था, मतलब ये विकेट एक टिपिकल इंडियन पिच थी, इतनी बुरी तरह तुम्हें घर पे आके उन्होंने लिटरली पेल दिया। लेकिन एक्चुअली में बेन स्टोक्स की वजह से ही इंडिया की हार हुई। टीम इंडिया पर बैच बॉल पड़ा भारी, दिख गई रोहित के लड़ाकों की लाचारी। अश्विन और केएस भरत कर देंगे, अश्विन कर देगा केएस भरत। दो फिसड्डियों को टीम से हटाओगे तभी इंग्लैंड के बैच बॉल से जीत पाओगे। जिंदे तरीके से हारे हैं, आना थो ऐसी टीम पर। मार मार के तुम्हारा भरता बना दिया, मार मार के तुम्हारे में भूसा भर दिया ओली पोप ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ भी चलते हैं। दोस्तों इंग्लैंड और भारत के दरमियान सनसनी खेज मुकाबला अभी जो इख्तिताम हुआ है उसमें भारत को बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त हो गई है। इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से शिकस्त दे दी है। जो मुकाबला भारत जीत रहा था, अचानक इंग्लैंड ने बाजी पलट दी। ओली पॉप ने 196 रन की शानदार इनिंग्स खेली है, बहुत ही डोमिनेट किया है भारत की टीम को। आइए इसके ऊपर इंडियन मीडिया का क्या रद्द अमल है, चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। इतनी बुरी तरह तुम्हें घर पे आके उन्होंने लिटरली पेल दिया। रोहित शर्मा कप्तानी, रोहित शर्मा को कुछ बोल दो, पूरे इंडिया को बुरा लग जाता है। रोहित को कुछ मत बोलना जी, रोहित को कुछ मत बोलना, बड़ा महान है जी। बाकी किसी को बोल दो, शुभमन गिल प्रिंस द मेल फातिमा सना शेख, उसको कुछ बोल दो। नहीं जी अभी छोटा है जी। यशस्वी जायसवाल यार, दो टेस्ट मैच हुए हैं जी। केएल राहुल नहीं यार, बहुत क्लासी प्लेयर है यार, आप लोग ऐसे ही करते हो। अकेला तो खेलता है यार, कभी जिंदगी में उस आदमी ने जिताया नहीं। ड्रामे जितने मर्जी करवा लो उससे, केएल राहुल से आते बड़ी बड़ी करवा लो, जब अपनी जगह बचानी होगी 100 मार देगा वो, चाहे चांद पे भी खिलवा दो 100 मार देगा वो। उसकी आंखों पर पट्टिया बांध के पैरों में कीलों के ऊपर भी बैटिंग करवा लोगे ना, तो भी अपनी जगह बनाने के लिए 100 मार देगा वो। लेकिन जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी, सबसे पहले केएल राहुल बैकअप होगा, जो रूट पे आउट हो गया आज। अबे तो इतना बड़ा प्लेयर है, कभी तो जिता दे। इंडिया में गड्ढे बना के भी हार जाते हो तुम लोग। श्रेयस अय्यर द ग्रेट द माइटी द वॉरियर अगेंस्ट स्पिन, बात तो सही है। मैं ग्रेटेस्ट स्पिन खेलता हूं, बात तो सही है। मैंने रोहित को देखा, रोहित ने मुझे देखा, रोहित ने बोला फिट है मूव, बात तो सही है। अश्विन उससे केएस भरत 30 रन का प्लेयर है भाई, तुम्हारी उम्मीदें बढ़ रही है। अश्विन और केएस भरत कर देंगे, अश्विन कर देगा केएस भरत। कम ऑन इंडिया, फाइट बैक, लखती लानत, जहन्नम की लानत। 30 रन ओ भाई मेरे, 231 मैंने आपको बोला था फोर्थ इनिंग में, आपके बस की नहीं है। आपके पास स्किल है लेकिन आपके पास जिगरा नहीं है, बात खत्म हो गई। आप हो ही बुजदिल प्लेयर्स। इंडिया में टेस्ट मैच तुम हारना शुरू कर देना, वह इंडिया में अनबीटेबल, इंडिया अनकॉन्करेबल, कोई नहीं हरा सकता, इम्पेरेंटरेबल। मार मार के तुम्हारा भरता बना दिया, मार मार के तुम्हारे में भूसा भर दिया ओली पोप ने, रिवर्स स्वीप मार मार के इस तरह बदल गई कि भारत इस टेस्ट मैच में हार गया। अब ये गलती आंकलन में शायद हम सबसे हुई, इंक्लूडिंग द टीम मैनेजमेंट। हमें लगा कि इंग्लैंड इन कंडीशंस में क्या बैसबॉल खेलेगा, उनके पास स्पिनर्स भी नहीं, और वाकई में थे भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप पहली इनिंग देखें, उनकी बैटिंग और हमारी बैटिंग, जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन शायद भारत मैच हारा तीसरे दिन पहले सेशन में, जहां भारत तकरीबन 12-13 ओवर खेला और तकरीबन 15 रन बनाए, उस वक्त जब आपके पास लीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी, भारत ने डोमिनेट नहीं किया। उसके बाद एक और चीज जो देखने में आई वो ये कि जहां पर विकेट गड्ढा नहीं था, मतलब ये विकेट एक टिपिकल इंडियन पिच थी जहां पर आपको स्पिनर को मदद मिल रही थी, लेकिन स्लो टर्न था, गेंद नीची नीची तो जा रही थी। लेकिन अब चूंकि भारत गड्ढों पे, यानी कि ऐसी विकेटों पर खेलने का आदी हो गया है, जिसे रैंक टर्नर कहते हैं कि पहले दिन आप पहले घंटे बॉल कीजिए और बॉल जब गिरे तो मिट्टी इधर उधर हो जाए, आप चूंकि उस तरह की विकेटों पर खेलने के इतने आदी हो चुके थे, आपको लगा यार ये तो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, ये तो स्लो टर्न है, तो आपके स्पिनर्स अपना प्लान बी वाला स्किल सेट लेकर नहीं आ पाए। आपने 102 ओवरों में 420 रन खाए इंग्लैंड से। एक तरफ हम ये कहेंगे इंडिया मैच हारा, ये भी हकीकत है जो बेन स्टोक्स ने कहा, इंग्लैंड की ये ग्रेटेस्ट विक्ट्री भी हो सकती है हालिया सालों में। उन्होंने कहा कि मेरी कप्तानी में ये सबसे बड़ी जीत है। इंग्लैंड के सामने इंडिया की चौथे दिन जब हार हुई तो सभी क्रिकेट फैंस के मुंह से निकला ये क्या हो गया, बेन स्टोक्स। हाँ ऐसा ही कुछ निकला था, लेकिन एक्चुअली में बेन स्टोक्स की वजह से ही इंडिया की हार हुई। 106 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने जब पहले लीड ले ली तो वो कभी हारे नहीं थे। इनफैक्ट कभी किसी टेस्ट मैच में इंडिया के अंदर अगर लीड ले चुकी है तो हारी नहीं थी।
इंडिया के अंदर ये दूसरा टेस्ट मैच था जो हिस्टोरिकल टेस्ट मैच था। इससे पहले इतनी बड़ी लीड पे ऑस्ट्रेलिया को हमने 2001 में हराया था, स्पिनर्स का जलवा था। लेकिन इंडिया की जब हार हुई तो बेन स्टोक्स तो निकल ही रहे थे, तो हमें लगा कि बेन स्टोक्स के वो कौन कौन से मास्टर स्ट्रोक्स थे जिनकी वजह से हम हारे। 5 मैचों की सीरीज का फर्स्ट मैच जो इंडिया ऑलमोस्ट जीत कर हार गई। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सिलेक्शन को लेकर, अप्रोच को लेकर। टीम इंडिया पर बैच बॉल पड़ा भारी, दिख गई रोहित के लड़ाकू किलाचारी। वो 3 बजाय जिसने रोहित की सेना को किया बेनकाब, इंग्लिश टीम के आगे हो गई हालत खराब। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इंडिया में भी बैच बॉल के आगे हिटमैन की आर्मी घुटने टेक देगी, लेकिन हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यही हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में मेहमान इंग्लिश टीम ने मेजबान टीम इंडिया को 28 रनों से हरा दिया। अपने घर में टीम इंडिया की अब तक के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार में से रही। हैदराबाद के इस मैदान पर भारतीय टीम की ये टेस्ट इतिहास में पहली हार है। स्थिति कहां हुई जिस वजह से जीता हुआ मैच हाथ से फिसल गया। 2 फिसड्डियों को टीम से हटाओगे तभी इंग्लैंड के बैस बॉल से जीत पाओगे। जी हाँ, बैस बॉल ने भाई आते ही यहां पर कमाल कर दिया है, बवाल कर दिया है। तरीके से एक हारा हुआ मैच इंग्लैंड के बैस बॉल ने जीता है। जिस तरीके से इंग्लैंड ने टीम इंडिया पर पलटवार किया, इंडिया को समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। अब भाई आप ये करेंगे तो आप बैस बॉल से तो नहीं जीत पाएंगे, और 2 फिसड्डियों को आप टीम में रखेंगे तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। तो 2 फिसड्डियों को टीम से हटाओगे तभी बाकी के मैच जीत पाओगे। हमारी भारतीय टीम के लिए भैया बहुत बढ़िया स्वागत, स्वागत है जी भारतीय टीम के लिए। इंग्लैंड की टीम ने 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 29 रन से जमीन बॉस कर दिया भैया, जमीन के अंदर गाड़ कर रख दिया। ये है हमारी मिलियन डॉलर टीम। विराट कोहली टीम में नहीं तो टीम फ्लॉप। आज विराट नहीं और हमारी भारतीय टीम अपने घर के अंदर 231 रन नहीं बना पाई। हिटमैन को देख ले रोहित शर्मा को, ओ भैया आपके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है। सिर्फ आईपीएल नहीं खेलनी, बस आईपीएल की ट्रॉफी उठाएं, जनता को खुश कर दे। ये आईसीसी चैंपियनशिप के मैच चल रहे हैं भैया, ये घर के अंदर 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच आप गंदे तरीके से हारे हैं। आना थो ऐसी टीम पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।